हेलो फ्रेंड्स, विशाल जी की खोज चैनल में आपका स्वागत है। मैं विशाल दीक्षित आज आपको बताने वाला हूं पीएलसी का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज पीएलसी, क्या क्या इसके मेन फीचर हैं और ये कैसे काम करता है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसके बेल के ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं ये पीएलसी है क्या। तो ये मैंने एक बिगनर्स के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम डिजाइन किया है, एक छोटा सा मॉड्यूल बनाया है पीपीटी में। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये सामने जो इमेज है ये सीमेंस के पीएलसी की है, S7300 है। और इसका इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी, तो ये बेसिकली पीएलसी फुल फॉर्म इज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। सेकेंड नंबर, पीएलसी इज अ लाइक कंप्यूटर एंड मॉडिफाइड स्पेशली टू परफॉर्म द कंट्रोल टास्क। तो जो पीएलसी है ये कंप्यूटर की तरह है, पीएलसी जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। और ये जैसे हम कंप्यूटर में कुछ भी कैलकुलेशंस करते हैं, इसी तरह से ये अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए मशीन के आरपीएम, स्पीड, टेम्परेचर्स, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करता है और उसके अकॉर्डिंग ये हमें मतलब आउटपुट जनरेट करता है और हम इसे विजुअलाइज भी करता है। वो कंप्यूटर पे विजुअलाइज होता है लेकिन पीएलसी के सिग्नल के थ्रू। तो ये मतलब पीएलसी जस्ट लाइक कंप्यूटर है। फिर अपना जो नंबर थर्ड है इट इज़ यूज्ड फॉर मशीन ऑटोमेशन। जब भी हमें मशीन्स को ऑटोमेटिकली चलाना होता है, कंट्रोल करना होता है, तो वो पीएलसी के बगैर नहीं हो सकती। नंबर फोर है, पीएलसी इज डेवलप्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वायर्ड रिले लॉजिक सिस्टम फॉर मशीन कंट्रोल। एक्चुअली पहले क्या होता था, आज से अगर 30-40 साल पहले की हम बात करें, तो सारी की सारी चीज़ें हमारी हार्ड वायर्स में होती थी। हार्ड वायरिंग हालांकि अभी भी होती है, लेकिन पहले हार्ड वायरिंग में ही पूरा रिले लॉजिक कॉन्टैक्टर, ये सारी चीज़ें ही होती थी, पोटेंशियोमीटर्स होते थे। तो पीएलसी के आने के बाद ऐसे समझिए कि 80% हार्ड वायरिंग ख़त्म हो गई, क्योंकि सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में लिखी जाने लगी, जो भी ड्राइंग्स है। और पीएलसी में जो भी हम इनपुट आउटपुट के थ्रू लिखते हैं, सिर्फ इनपुट आउटपुट की वायरिंग होती है, बाकी पूरा लॉजिक पीएलसी के अंदर रहता है। रिलेज, टाइमर, सारी चीज़ें और पोटेंशियोमीटर, ये सारे जो भी मतलब इक्विपमेंट हैं पीएलसी में प्रोग्राम में डिज़ाइन हो जाते हैं। तो हमारा पैनल का साइज कम हो जाता है, प्लस वायरिंग कम हो जाती है। फिफ्थ है, दीज कंट्रोलर्स कैन ऑटोमेट अ स्पेसिफिक प्रोसेस, मशीन फंक्शन और एन एंटायर प्रोडक्शन लाइन। तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो कंट्रोलर हैं, पीएलसी कंट्रोलर हैं, ये किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। कोई भी, चाहे छोटा प्लांट हो चाहे बहुत बड़ी प्रोडक्शन लाइन हो, उसको पूरे को ऑटोमेट कर सकते हैं। जो भी हम सेंसर्स यूज करेंगे उनके सारे इनपुट्स आएंगे पीएलसी में, और जो भी हम फील्ड इक्विपमेंट यूज करेंगे, प्रेशर स्विच है, प्रेशर सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, और इसी तरह से आउटपुट में सोलेनाइड वाल्व, कॉन्टैक्टर्स, रिलेज, ये सारी चीज़ें हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग, टाइमर्स के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ होंगी। और एनालॉग एंड डिजिटल दोनों को ही कंट्रोल करता है, तो हम पूरी प्रोडक्शन लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर सिक्स है, इट इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम दैट कॉल्ड CPU। तो पीएलसी कोई भी हो, किसी भी ब्रांड का हो, सभी में एक CPU जरूर होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक इसी प्रकार पीएलसी में भी CPU होता है। कुछ में CPU के साथ इनपुट आउटपुट दिए होते हैं और कुछ में CPU सेपरेट होता है, उसमें आगे इनपुट आउटपुट ऐड करने के, मॉड्यूल ऐड करने का ऑप्शन होता है। ये प्योरली माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है। नंबर सेवन है, पीएलसी व इन्वेंटेड बाय डिक मॉर्ली इन 1968। अब आप सोच रहे होंगे 1968 में पीएलसी आया, और अभी तक मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब जो पीएलसी वर इन्वेंटेड बाई डिक मॉर्ली इन 1968, द फर्स्ट पीएलसी वाज मोडिकॉन 084। सिंस देन पीएलसी वाज रिवोल्यूशनाइज्ड द इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
पीएलसी आया 1968 में, और आप ये देखिए उस समय मोडी कौन से 084 से मॉडल से इसकी शुरुआत हुई। और अभी जो मैंने अपने इस प्रेजेंटेशन में आपको फ्रंट स्लाइड दिखाई, फर्स्ट स्लाइड दिखाई, उसमें सीमेंस का S7300 पीएलसी दिखाया है जो कि आज भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये मैंने फर्स्ट टाइम S7300 देखा था 1997 में, व्हेन आई वाज स्टार्ट द जॉब। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1968 में जो भी पीएलसी बना होगा, जिस मॉडल का भी बना होगा, जिस डिज़ाइन का होगा, मैंने तो यूज़ नहीं किया, लेकिन उसके बाद से 68 से लेके 97, दैट मींस लगभग 29 ईयर्स में इतना डेवलप हो चुका था, जो मॉडल 1997 में यूज़ हो रहा था वो आज भी यूज़ हो रहा है। तो पीएलसी में बहुत तेज़ी से, मतलब इसमें बहुत तेज़ी से बदलाव हुए हैं और बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, जो कि अभी भी मतलब वो चीज़ें चल रही हैं जो आज से 20-25 साल पहले डेवलप हुई थी, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल का डेवलपमेंट हुआ है। 8 नंबर, पीएलसी इज डिज़ाइन फॉर डिज़ाइन टू रिलायबिलिटी अंडर हर्श इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट सच एज एक्सट्रीम वेदर एंड डस्टी कंडीशन। तो पीएलसी जो है इस तरह के से डिज़ाइन किया जाता है किसे, मतलब बुरी से बुरी स्थिति में, मतलब बुरी तो नहीं कह सकते, मतलब हर्ष कंडीशन, मतलब कठिन परिस्थितियों में भी ये चलने योग्य है। जैसे बहुत ज़्यादा डस्टी इन्वायरमेंट है, या ज़्यादा टेम्परेचर है, या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो वहाँ पर भी पीएलसी काम करता है, मतलब ये हैवी ड्यूटी आइटम है। इसका ब्लॉक डायग्राम जो पीएलसी का होता है, पीएलसी में बेसिकली हमारा एक पावर सप्लाई होता है, जो ये मैं ग्रीन कलर में शो किया हुआ है। इसके अलावा ये जो ऑरेंज कलर में है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू, पूरा प्रोग्राम इसी में रहता है। तीसरी चीज, जो भी हमारे पुश बटन या एनओएनसी स्विचेस होते हैं, ये सारा इनपुट्स होते हैं, ये इनपुट मॉड्यूल है लेफ्ट साइड में जहां मेरा कर्सर है। इसी तरह से जो हमारा सायरन है, ये हमारी लाइट्स हैं, रिलेज हैं, कॉन्टेक्टर हैं, ये सारे आउटपुट्स रहते हैं। तो ये इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ, ये हमारी पीजी है, मतलब प्रोग्रामेबल डिवाइस, ये हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है। तो ये इसका हमारा डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है पीएलसी का। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ पीएलसी। तो एक सीमेंस इसका बड़ा ही पॉपुलर ब्रांड है, दूसरा एलन ब्रेडली है, श्नाइडर है, मिट्सुबिशी है, टोशीबा है, हनीवेल है। इसके अलावा डेल्टा है, ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड हैं जो यूज़ होते हैं सभी जगह, सारी इंडस्ट्रीज़ में। टाइप्स ऑफ पीएलसी, ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा सिंक टाइप, एक होता है सोर्स टाइप। तो सिंक टाइप सोर्स टाइप का जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूँगा, यहाँ आप देख रहे हैं जो हमारा पॉजिटिव एक बैटरी कनेक्टेड है, एक लैम्प है और एक ये स्विच है। तो एक्चुअली क्या है, हमारी हमेशा, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी पावर सप्लाई हो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बहता है, मतलब जो फ्लो करता है पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इन दिस केस सिंक टाइप में ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये हमारी पावर स्टार्ट हुई और इस लैंप के अंदर गई, फिर लैंप के थ्रू ये पास होकर यहाँ स्विच में आई और स्विच के थ्रू ये हमारे सेल के अंदर गई। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो लैंप है ये सोर्स टाइप है, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज पहले यहाँ से पास हो रही है, और स्विच हमारा जो है ये सिंक टाइप है। अब ऐसे ही सोर्स टाइप का एग्जांपल देखें, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वोल्टेज पहले हमारे स्विच से पास हो रही है और उसके बाद ये लैंप में आ रही है। तो ये हमारा स्विच इसमें हो गया सोर्सिंग टाइप और लैंप हो गया सिंक टाइप। अभी आप इसे एक पीएलसी मॉड्यूल के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी +24 वोल्ट जो गई
वो यहाँ, सॉरी, ये जो हमारी प्लस 24 वोल्ट गई वो यहाँ से इस सर्किट से गई, इस कार्ड में गई, कार्ड के कॉमन में, फिर यहाँ से निकलकर इस स्विच के थ्रू ये वापस इस पावर सप्लाई में आई। तो यहाँ पर हमारा जो पीएलसी कार्ड है, जो मॉड्यूल है, ये है सोर्सिंग टाइप, और जो स्विच है हमारा ये है सिंक टाइप, सिंकिंग टाइप। ठीक इसी प्रकार इस साइड में जो राइट में जहाँ मैं दिखा रहा हूँ ये सोर्सिंग टाइप का है, यहाँ हमारी पॉजिटिव वोल्टेज गई स्विच के थ्रू, तो स्विच हमारा हो गया सोर्सिंग टाइप, फिर यहाँ पीएलसी मॉड्यूल में गई और मॉड्यूल से जहाँ से बाहर निकली और ये हमारी डीसी पावर सप्लाई को गई। तो यहाँ पर हमारा पीएलसी मॉड्यूल हुआ सिंकिंग टाइप। अभी हम एक इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे, इसमें कुछ केस स्टडी है तो इसे देखते हैं। यहाँ हमने एक बैटरी, लैंप एंड स्विच यूज किया हुआ है। ये एक छोटा सा वीडियो है, इसे मैं आपको वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक हमने बैटरी यूज की है, एक लैंप यूज किया है और एक स्विच यूज किया है। अब जैसे ही ये स्विच ऑन होगा तो हमारा करंट फ्लो कैसे होगा, देखिए अभी केस वन है, अभी स्विच हमारा ओपन है, हमने स्विच ऑन किया तो ये देखिए हमारा यहाँ से वोल्टेज जाना स्टार्ट हो गया। तो स्विच हमारा सोर्सिंग टाइप है और लैंप सिंकिंग टाइप है। तो ये देखिए प्लस से वोल्टेज जा रहा है। अब केस टू देखेंगे, यहां पर हमारा जो वोल्टेज जाएगा पॉजिटिव जाएगा लैंप के थ्रू स्विच में जाएगा, जैसे ही स्विच ऑन होगा उसके बाद। देखिए स्विच ऑन हुआ, ये वोल्टेज स्टार्ट हुआ, लैंप ऑन हो गया और ये लैंप हमारा यहाँ पर है सोर्सिंग टाइप और स्विच है सिंकिंग टाइप, क्योंकि सबसे पहले लैंप के अंदर हमारी पावर जा रही है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक पीएलसी मॉड्यूल के साथ बताया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो ये पॉजिटिव वोल्टेज जो है ये सीधा यहाँ पर पीएलसी मॉड्यूल में जाएगा थ्रू स्विच और यहां से निकल के वापस आएगा पावर सप्लाई में। ये देखिए स्विच के थ्रू पीएलसी मॉड्यूल में गया, मॉड्यूल से निकल के फिर पावर सप्लाई में आया। तो यहां पर हमारा स्विच हुआ सोर्सिंग टाइप और हमारा कार्ड हुआ सिंकिंग टाइप। अब ये दूसरा केस स्टडी देखते हैं, इसमें हमारा पॉजिटिव जा रहा है कार्ड को और नेगेटिव जा रहा है लॉट के कार्ड से आ रहा है। देखिए स्विच ऑन हुआ, पॉजिटिव सप्लाई कार्ड में गई और कार्ड से निकल के, इनपुट कार्ड से निकल के फिर पावर सप्लाई को वापस आ रही है। तो उस केस में अब देखिए ये अगला जो है, इसमें हमने जैसे ही हम इसमें एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज किया है, तो यहां देखिए हमारी पॉजिटिव सप्लाई जो निकलेगी 24 वोल्ट डीसी, ये निकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर में गई, उसके थ्रू स्विच होके कार्ड में गई, कार्ड से वापस आई। तो इसमें हमारा सेंसर हुआ सोर्सिंग टाइप और पीएलसी कार्ड हुआ सिंकिंग टाइप, इसे एनपीएन भी कहेंगे जो सिंकिंग टाइप कार्ड है, और सेंसर पीएनपी रहेगा। अब देखिए ये नेक्स्ट, इसमें हमारा पॉजिटिव जाएगा सेंसर में और सेंसर से साथ में ही ये कार्ड के अंदर जाएगा, ये देखिए कार्ड में आया और यहां से निकल के सेंसर के कॉन्टेक्ट के थ्रू पावर सप्लाई में गया। तो यहां पर हमारा सेंसर है एनपीएन सिंकिंग टाइप और ये हमारा पीएलसी मॉड्यूल है सोर्सिंग टाइप। ये देखिए सोर्सिंग पीएनपी होता है, सिंकिंग हमेशा एनपीएन होता है। ऐसे ही हमारा यहां पर कार्ड सिंकिंग है एनपीएन और हमारा सेंसर पीएनपी है। तो ये पीएनपी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेंसर विल गिव पॉजिटिव आउटपुट, पीएनपी टाइप ऑलवेज। अब ये देखिए एनपीएन जो है, एनपीएन में हमारा सेंसर हमेशा नेगेटिव आउटपुट देगा और पॉजिटिव इसमें कॉमन रहेगा इनपुट आउटपुट दोनों के लिए।
इसके अलावा आईओ मॉड्यूल आइडेंटिफिकेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो सीमेंस में अपने इनपुट मॉड्यूल होते हैं तो इनका आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह रहता है, SM321। तो इसमें 3 का मीनिंग है ये S7300 का PLC है और 21 का मतलब है डिजिटल इनपुट है, मतलब 2 का मतलब डिजिटल है, जो सेकंड नंबर का ये 2 है और ये 1 का मतलब इनपुट। ऐसे ही SM322 ये डिजिटल आउटपुट है, 3 का मीन हो गया S7300 PLC है, 2 का मतलब हमारा ये डिजिटल है और अगले नेक्स्ट 2 का मतलब आउटपुट है। तो SM323/327 ये डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट कार्ड है। ये 327 टाइप जो है ये थोड़े स्पेशल रहते हैं, जनरली आपको 323 देखने को मिलेंगे हर जगह। इसके अलावा SM331 ये एनालॉग इनपुट है, इसमें पहला 3 S7300 का है, दूसरा 3 बताता है कि ये एनालॉग कार्ड है और थर्ड नंबर पे जो 1 है, 1 ऊपर भी देखिए इनपुट के लिए था, यहाँ भी इनपुट के लिए यूज हो रहा है। इसके अलावा SM332 ये एनालॉग आउटपुट है, इसमें भी पहला 3 S7300 का, दूसरा 3 एनालॉग का और थर्ड नंबर पे जो 2 है वो आउटपुट का है। देखिए यहाँ भी आउटपुट में 2 यूज हुआ था, डिजिटल आउटपुट में यहाँ भी 2 यूज हो रहा है। इसके अलावा SM334 एंड 335 ये एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट्स हैं, तो ये इसमें भी सेम वही है, S7300 का फर्स्ट 3 इसका मीनिंग है S7300 PLC है, सेकंड 3 इसका मीनिंग है ये एनालॉग कार्ड है और ये 4 और जो 5 है ये इनपुट एंड आउटपुट टाइप के कार्ड हैं। तो इनमें कोई आपको मिलेगा 334, कोई 335, इसमें एक ही कार्ड में इनपुट्स आउटपुट्स दोनों चीज़ें होती हैं। इसके अलावा PLC में बेसिकली 3 लैंग्वेजेस होती हैं, पहली होती लैडर लैंग्वेज जो होती है ये सिंपल होती है, जैसे हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में लिखते हैं ठीक उसी तरह से यहाँ शो किया जाता है। दूसरी होती है FBD, ये बेसिकली जैसे हमारे लॉजिक गेट्स हम डिज़ाइन करते हैं जो पढ़ते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये उसी की तरह से यहाँ पर ये देखिए सेम लॉजिक है, जो ऊपर ये लॉजिक है यही यहाँ FBD में लिखा है, तो इस टाइप से आएगा एंड और ये नॉट गेट आपको दिख रहे हैं, ये एंड गेट ये नॉट गेट, तो इस टाइप से ये FBD गेट्स में लिखी जाती है। तीसरी लैंग्वेज होती है STL जो लैंग्वेज होती है ये लैंग्वेज मतलब इंस्ट्रक्शन बेस्ड होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेम लॉजिक यहाँ भी लिखा हुआ है, ये स्टॉप PV और ये और यहाँ पर एंड ब्रैकेट और AN मतलब एंड नॉट, इस टाइप से सेम लॉजिक जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, वही यहाँ लिखा है। ये STL जो होता है ये इंस्ट्रक्शन लॉजिक होता है। इसके बाद हल्का सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन डेसिमल टू बाइनरी, क्योंकि PLC हमेशा 0 और 1 दो ही चीज़ें समझता है उसके, वो मतलब डिजिटल होता है तो डिजिटल में 0 और 1 दो ही चीज़ें होती हैं, तो ये बाइनरी डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन का कुछ बताया हुआ है मैंने एक छोटा सा, जैसे कि यहाँ पर 13 नंबर जो लिखा है 13, इसका अगर बाइनरी नंबर निकालना है तो हम इसको 2 से तब तक डिवाइड करते जाएंगे, उसका जो रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को यहाँ पे नोट करते जाएंगे। तो ये हमारा जो 13 है डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये 6 आया, फिर 6 को डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये 3 आया, यहाँ रिमाइंडर 0 बचा, यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, फिर 3 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा, फिर 1 को 2 से किया रिमाइंडर 1 बचा यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं तो 1101 ये 13 का हमारा हो गया बाइनरी 1101। जहाँ पर नीचे 10 लिख देते हैं इसका मतलब ये डेसिमल है, यहाँ पर नीचे 2 लिखा है इसका मतलब ये बाइनरी है। कुछ और भी आपको कन्वर्जन जो मेन कन्वर्जन रहते हैं डेसिमल वैल्यूज के वो यहाँ पर बताए गए हैं, जिनको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, वैसे मैंने बाइनरी और डेसिमल के कन्वर्जन पे एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जो है, एज मैंशनड इन द अबव पैराग्राफ वाइल कन्वर्टिंग द बाइनरी टू डेसिमल वी नीड टू कंसीडर ईच डिजिट इन बाइनरी नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पर
जो कहा जा रहा है राइट टू लेफ्ट, अब ये बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर है 1111, तो इसमें हमें क्या करना है कि जितने भी वन हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, मतलब 4 डिजिट हैं। तो ये पहला वाला इंटू 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, तो यहाँ क्या होगा किसी के ऊपर भी 0 की घात 0 की पावर लगा देते वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 into 1 1 रहेगा। यहाँ पर ये दूसरा वाला है, इस पर यदि 2 की पावर 1 है तो 2 बन जा 2 into 1, तो यहाँ पर 2 ही रहेगा। थर्ड है 2 2 जा 4 into 1, तो 4 रहेगा। फिर यहाँ पर 2 into 2 into 2, मतलब 8 into 1, तो यहाँ 8 रहेगा। ये जो हमारा पूरा आया 1 + 2 + 4 + 8, टोटल हो गया 15। तो हमारा ये रिजल्टेंट आया, जो डेसिमल में नंबर आया वो आया 15। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 1111 है, तो यहाँ 2 में हमारी वैल्यू 0 आएगी, फिर 4 आएगी, 8 आएगी, 16 आएगी, सबका टोटल करेंगे, सम करेंगे तो 28 आएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये पूरा ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव था, यदि आपने स्किप किया तो आपको दोबारा देखना चाहिए, और इसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स हों तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरी प्लेलिस्ट PLC हिंदी में एंड एलन ब्रेडली ज़रूर चेक करें, पूरा ट्यूटोरियल मिलेगा उसमें PLC प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लेना सभी लोग। बाय बाय।